हेलो स्टूडेंट, आज सोम के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो लीफ स्प्रिंग होता है उसमें हम बेंडिंग स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि लीफ स्प्रिंग क्या होता है। बेसिकली जो लीफ स्प्रिंग होता है ये एक तरह का कैंटिलीवर बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम होता है जिसको हम एज अ स्प्रिंग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग पूल में जो डाइविंग बोर्ड होता है जिससे जो स्विमर होते हैं जंप करके पूल में कूदते हैं, वो एक तरह से आपका लीफ स्प्रिंग का काम करता है। तो यहाँ पर इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखे हैं। जैसे कि एक साइड पर जो डाइविंग बोर्ड होता है वो फिक्स रहता है, कैंटिलीवर बीम है ये हमारा, एक साइड फिक्स है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फ्री है। तो हम बी पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या है आपका, एक तरह से लीफ स्प्रिंग। अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो यहाँ पर हमारा फोर्स अप्लाई होगी। तो लीफ स्प्रिंग क्या है हमारा, एक कैंटिलीवर बीम है या सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसको हम यूज में लाते हैं। अब जो लीफ स्प्रिंग होते हैं वो कॉमनली हमारे ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं या हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं, उनमें यूज किए जाते हैं। लीफ स्प्रिंग जो ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं वो होते हैं सेमी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, यानी कि जो शेप होती है इनकी ये हाफ एग की तरह, अर्ध अंडाकार की तरह होती है। और इस तरह का जो लीफ स्प्रिंग होता है उसको हम कहते हैं लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग। जो ऑटोमोबाइल्स में लीफ स्प्रिंग यूज किए जाते हैं उनमें कई सारी प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स को हम लीव्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कई सारी प्लेटें लगी हुई हैं। सबसे जो ऊपर वाली प्लेट है वो सबसे बड़ी होती है, फिर नीचे जाते हुए प्लेट का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। जो लीव्स होती है उनको हम इनिशियली एक कर्वेचर देते हैं, यानी कि इनको एक गुलाई दी जाती है कि जब आपका लोड अप्लाई होगा, हम यहाँ पर फिक्स करते हैं, यहाँ से फिक्स करते हैं हम लोड को और यहाँ से फिक्स करते हैं। तो जब लोड अप्लाई होता है तो जो इसकी मुड़ी हुई शेप होती है वो सीधी हो जाती है। तो उस तरह से जो हमारा शॉक वगैरह है या जो लोड वगैरह है वो लीफ स्प्रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लीफ स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को हम किस तरह से निकालते हैं। तो इसका मेन डायग्राम है, इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये एक लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग है, इसमें हमारी कई सारे प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई है। इसको पकड़ने के लिए सेंटर में एक सेंटर बोर्ड लगाया जाता है और दोनों तरफ यू क्लिप्स लगती है। यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए रिवाउंड क्लिप लगाई जाती हैं। ए और जो बी हैं वो कहलाते हैं स्प्रिंग की आई। जो सबसे ऊपर वाली प्लेट होती है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है उसको हम कहते हैं मेन लीफ। और इसमें देखते हैं नोटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो इसमें अलग तरह की प्लेटें हैं उनकी जो मोटाई है वो है थिकनेस ऑफ प्लेट स्मॉल टी, विड्थ ऑफ प्लेट जो प्लेट की चौड़ाई है वो है स्मॉल बी, नंबर ऑफ प्लेट्स जो इसमें यूज हो रही है कई सारी प्लेट्स हैं उनकी संख्या है स्मॉल एन, रेडियस ऑफ प्लेट जो लीफ स्प्रिंग है उसका सेंटर पॉइंट जो ओ है उससे ए या बी तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है इस प्लेट की रेडियस, तो है यहाँ पर कैपिटल आर। स्पैन ऑफ स्प्रिंग यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो मेन लीफ है उसकी जो टोटल लेंथ है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग की स्पैन, तो है यहाँ पर स्मॉल एल। लोड ऑन स्प्रिंग, जब इस पर लोड अप्लाई किया जाएगा तो उस कंडीशन में ए और बी पर लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो है लोड यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू। डिफ्लेक्शन यानी कि जब इसमें लोड अप्लाई होगा तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, पहले से शेप हो कर्वेचर रहे शेप रहती है, गोलाई की शेप रहती है, जब लोड अप्लाई होता है तो जो स्प्रिंग होगा वो कुछ सीधा हो जाएगा, तो वहां पर डिफ्लेक्शन होगा। तो उस कंडीशन में ओरिजिनल डिफ्लेक्शन जो है वो डेल्टा, और जब इस पर डिफ्लेक्शन होगा तो उस कंडीशन में स्ट्रेस डेवलप होंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर हमने मान रखी है सिग्मा होगी। तो अब देखते हैं जो स्प्रिंग है उसके सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पर मेन लीफ की लेंथ ली है, तो ये टोटल लेंथ है यहाँ पर L, और जो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा A और B पर वो है W बाई टू और यहाँ पर भी W बाई टू। तो इस कंडीशन में जो मोमेंट होगा वो होगा यहाँ पर M इज इक्वल टू W बाई टू इंटू L बाई टू। L क्या है, जो सेंटर से A पॉइंट तक की डिस्टेंस है L बाई टू, उसी तरह से सेंटर से B पॉइंट तक की भी डिस्टेंस है आपकी L बाई टू। उस कंडीशन में जो सेंटर है वहां पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, तो वो है यहाँ पर m is equal to WL by 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो प्लेट है उसका हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लिया है, तो जब प्लेट हमारी बेंड होगी तो वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में बेंड होगी। तो यहाँ पर ये प्लेट का क्रॉस सेक्शन है जिसकी थिकनेस है टी, विड्थ है बी और इसकी जो स्पैन है वो है स्मॉल एल, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी है न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस से जो इसकी आउटर मोस्ट फाइबर है वहां तक जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर वाई मैक्स। तो जब प्लेट हमारी बेंड होगी तो किसके अबाउट होगी, वो होगी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अब हम जानते हैं कि जो बेंडिंग इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर।
अब इस कंडीशन में अगर हम एक प्लेट के लिए बेंड मोमेंट लेते हैं तो वो m यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा m इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इनटू i। हमने ये पहला m अपॉन i और सिग्मा अपॉन y टर्म लिया है, तो यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में होगा वो होगा i इक्वल टू बी टी क्यूब अपॉन 12, जहां पर b है इसकी विड्थ और t है थिकनेस। अब जैसे मैंने बताया था कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां से जो टॉप फाइबर रहेगी, सबसे ऊपर वाली जो फाइबर है, सबसे ऊपर वाली जो परत है, वहां तक की डिस्टेंस है y, और यहाँ पर हमने इस डिस्टेंस को डिनोट किया है y max से। ये न्यूट्रल एक्सिस जा रही है और ये है प्लेट की सबसे ऊपर वाली फाइबर, तो न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ऊपर वाली जो फाइबर है वहां तक की डिस्टेंस को हमने माना है y max। अब y max क्या होगा आपका t/2, टोटल जो थिकनेस है वो है t, और यहां से na से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी t का आधा, यानी कि t/2, तो y max हो गया t/2। अब हम क्या करेंगे, जो i की वैल्यू है और जो y max की वैल्यू है उसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर हमारी क्या थी, m is equal to sigma upon y into i, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m is equal to sigma y max जो होगा वो हो जाएगा आपका t/2, तो y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी t/2, और i मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से हमने निकाला था bt cube upon 12, तो t/2 का 2 हम ऊपर ले गए, तो इक्वेशन बन जाएगी m is equal to 2 sigma upon t into bt cube upon 12। इस 2 से 12 घटेगा तो 6 आएगा, इस t से एक पावर घटेगी तो t square आएगा, तो m is equal to हो गया sigma bt square upon 6। अब n प्लेट्स के लिए टोटल मोमेंट कितना होगा, ये सिंगल प्लेट के लिए था तो n के लिए हो जाएगा m is equal to n sigma bt square upon 6, n से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में बराबर रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमने सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट निकाला था WL upon 4, तो यहां पर हो जाएगा WL upon 4, इक्वेशन नंबर 3 है n sigma bt square upon 6। अब यहां से हमें निकालना है सिग्मा की वैल्यू, तो ये स्टेप यहां चला जाएगा और ये वाला क्रॉस होकर यहां जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 6WL upon 4n bt square। अब इस को हम 2 से काट देते हैं तो इक्वेशन फाइनली बन जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 3WL अपॉन 2n bt square। तो ये होता है लीफ स्प्रिंग के लिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो हम निकालेंगे कि जब स्प्रिंग पर लोड अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में उसमें क्या डिफ्लेक्शन रहेगा। तो ये हमारा मेन डायग्राम था, तो इसमें अब जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब स्प्रिंग अनलोडेड होता है तो उस कंडीशन में ये कर्वेचर की शेप में रहता है, और जब इस पर लोड अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेट हो जाता है और उसमें एक डिफ्लेक्शन रहेगा डेल्टा। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है OCA। इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, जो OA स्क्वायर है वो तो है रेडियस ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या है, क्योंकि तो यहाँ पर C ये सेंटर पॉइंट है और टोटल स्पैन जो थी स्प्रिंग की वो थी L, तो यहाँ से C से A तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी L by 2, क्योंकि ये सेंटर में पॉइंट है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर L by 2 का स्क्वायर। अब OC स्क्वायर यहाँ पर क्या है, टोटल जो हमारी रेडियस है OA वो है R, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन है डेल्टा, तो जब इसमें हम OC तक की डिस्टेंस निकालेंगे R में से डेल्टा माइनस हो जाएगा, तो OC स्क्वायर यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस रहेगी R माइनस डेल्टा, तो ये हो जाएगा R माइनस डेल्टा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L बाय 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 4, और R माइनस डेल्टा का जो स्क्वायर है उसको हम A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2R डेल्टा। अब यहां पर जो डेल्टा है वो एक बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन है, तो उस कंडीशन में जो डेल्टा स्क्वायर होगा वो बहुत ही छोटा यानी उससे भी छोटा एक टर्म रहेगा जिसको हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर को हम निगलेक्ट करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R डेल्टा। जो डेल्टा स्क्वायर था हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। अब यहां से इस आर स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
और एल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस का टू आर डेल्टा, इस आर से ये आर माइनस पे हट जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर टर्म बचेगा एल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस टू आर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, और यहां से हम एल स्क्वायर अपॉन फोर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी इधर चला जाएगा एल स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू टू आर डेल्टा। तो अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहां से आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एट आर। अब इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, हमें बैंड इक्वेशन में पता है वो होती है एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब लास्ट के दो टर्म से हम यहां से आर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो आर ऊपर जाएगा और सिग्मा नीचे आ जाएगा, वाई इधर आएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू बाई अपॉन सिग्मा। अब फिर से हम ये वाला डायग्राम देखते हैं जिसमें हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, तो यहां से वाई मैक्स की वैल्यू हमारी क्या थी टी बाई टू, तो यहां से y की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर t by 2, तो r is equal to हो जाएगा e into t by 2 upon sigma। अब यहां से 2 नीचे की तरफ आ जाएगा तो equation बन जाएगी r is equal to e t upon 2 sigma। अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो r की वैल्यू को जब इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 8, r की जगह हम रख देंगे e t upon 2 sigma, तो ये हो जाएगा 8 into e t upon 2 sigma। तो यहां से जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू ये 2 सिग्मा ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा एल स्क्वायर 2 से 8 कटेगा तो 4 टाइम्स आएगा यहां पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन 4 ई टी। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में जो हमने फर्स्ट स्टेप में बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू निकाली थी जो थी 3WL अपॉन 2NVT स्क्वायर, उसको पुट करते हैं, तो इक्वेशन में जब हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू 3WL अपॉन 2NVT स्क्वायर, यहां पर सिग्मा लिखा था तो पुट कर दी हमने, इनटू एल स्क्वायर अपॉन 4ET। अब ये वाला जो स्टेप है ये नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3WL इनटू एल स्क्वायर अपॉन 2NVT स्क्वायर इनटू 4ET। अब इस एल और ये एल स्क्वायर हो जाएगा एल क्यूब, उसी तरह से ये टी स्क्वायर और ये टी हो जाएगा टी क्यूब, तो इक्वेशन बनेगी फाइनली डेल्टा इज इक्वल टू 3WL क्यूब अपॉन 8ENPT³। तो ये इक्वेशन है डिफ्लेक्शन की विड्थ और थिकनेस के टर्म में। अब इसी इक्वेशन को अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिखते हैं तो उसके लिए हमें पता है जो प्लेट होती है उसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू BT³ अपॉन 12। तो यहाँ से अगर BT³ की वैल्यू निकालेंगे तो 12 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यह आएगा BT³ इज इक्वल टू आई इंटू 12। अब इस स्टेप में जो हमारा BT³ था वहां पर हम पुट कर सकते हैं I into 12, तो पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू 3WL³ अपॉन 8ENBT³ की जगह हमने पुट किया I into 12। अब इस 3 से ये 12 4 टाइम्स जाएगा, फिर उस 4 के हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली यहां पर आ जाएगा डेल्टा डिफ्लेक्शन की वैल्यू 3WL³ अपॉन 32ENI। तो ये वाले जो स्टेप है ये डिफ्लेक्शन डेल्टा की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में है, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये डिफ्लेक्शन डेल्टा की वैल्यू प्लेट की विड्थ और थिकनेस के टर्म में है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।